हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पहले थोड़ा सा पोर्शन है जियोग्राफी का, थोड़ा सा वो देख लेंगे। ठीक है, मैं उतना ही आपको करवाऊंगा जितना कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके को पूरा एकदम से छान देंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती के बारे में, अर्थ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में हम नोट्स बनाएंगे, लिखते जाना है आपको, और कापी और पेन साथ लेकर बैठना है। ठीक है, अगर इस टाइम आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में लिख जरूर लेना। ठीक है, वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार मैं आपको बोल कर लिखवा देता हूँ, बीच में कई बार लिखता नहीं हूँ, बोल कर लिखवा देता हूँ, तो इसलिए वीडियो देखना भी साथ में साथ जरूरी है। तो आज हम अर्थ के बारे में कवर करते करते करते, और फिर अगर टाइम बचा तो अर्थ के बाद हम कवर करने वाले हैं इंडिया को। ठीक है, वो मैं कल से हाँ शुरू कर दूंगा। इंडिया के हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ेंगे इंडिया के, उनके बॉर्डर पढ़ेंगे, कौन सी बॉर्डर कहाँ पर शेयर होती है वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ देखते हुए हम पूरा एक इसका पन्ना छान देंगे। ठीक है, फिर हम इसके रिवर सिस्टम पढ़ेंगे आगे जाकर, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, जो जो जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है जनरल अवेयरनेस के अंडर, वो हम आज की इस वीडियो में और आने वाली इस सीरीज़ में, वीडियो सीरीज़ में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैं आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह ऐसे बहुत सारे रिवर पढ़ाऊँगा। फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम रिवर वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड के नहीं आएंगे, वर्ल्ड के नहीं देखेंगे। फिर हम माउंटेंस देखेंगे, इंडिया के माउंटेंस। ठीक है, फिर हम हिल्स देखेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड के नहीं देखेंगे, वर्ल्ड के भी मैंने आज इकट्ठे तो करे थे। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो हमारे नेशनल हाईवेज वगैरह हैं तो वो कितने हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे, रेलवे ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स देखेंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट का क्या नाम है, या हैदराबाद के क्या नाम है। ठीक है, चलो मैं आज एयरपोर्ट्स ना पढ़ा दूँ, फिर कल से अर्थ कर लेंगे। ठीक है, एयरपोर्ट्स, और क्योंकि ये ऐसा है ना, लिखने वाला काम थोड़ा सा बोरिंग होता है, लिखने वाला काम थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो आप ऐसा कीजिए, आज आपको एयरपोर्ट्स लिखवा देता हूँ। ठीक है, याद ही करना है, लिखते जाना है, याद करते जाना है। फिर हम पढ़ेंगे लेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को पढ़ेंगे। फिर हम इम्पोर्टेंट इश्यूज़ भी देखेंगे, कौन कौन से मतलब इश्यूज़ इम्पोर्टेंट चल रहे थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इश्यूज़ नहीं देखने वाले। ठीक है, अगर कहते हो कमेंट कर देना, वो सब कुछ मैं कवर करवा दूँगा अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो और क्या देखने वाले हम, रिवर साइड सिटी, नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, बैंक के पेपरों में तो आता ही आता है, कई बार ऐसा मेंस के क्वेश्चंस में, जनरल अवेयरनेस में एक आधा क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ का, कि इस पूरी सीरीज़ में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो रिवर साइड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड नहीं देखेंगे, वर्ल्ड में कौन कौन सी सिटी जो नदियों के किनारे हैं वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम एग्रीकल्चर का पोर्शन देखेंगे काफ़ी, जो मतलब इससे डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, जो मतलब आपने चार साल में एग्रीकल्चर में पढ़ा, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि एजीएम वाले जो बच्चे हैं ना, वो नए हैं, तो उनको ऐसे तो रबी की क्रॉप जैसे बारले, मस्टर्ड, लाइन सीड, ग्राम्स, वीट, पोटैटो, पी, ऐसे करके तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा है, उनको रट्टा लगाने की ट्रिक भी है मेरे पास, वो भी आने वाली सीरीज़ में आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस पूरी सीरीज़ में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बस टॉपिक में चलते हैं हम, एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स करेंगे अब। ठीक है, पहले मैंने अर्थ कहा था, बट अर्थ की जगह मैं अब एयरपोर्ट्स करवा देता हूँ, अर्थ में आप बोर हो जाओगे, जो मेरे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो पहली बार ये देख रहे हैं ना, मतलब क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हमारे कॉमन नहीं होता, कुछ बच्चे मतलब किस स्ट्रीम से होते हैं, कुछ किस स्ट्रीम से होते हैं, तो उनको ये फर्स्ट टाइम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलो जी, हेडिंग बना लो जल्दी जल्दी से, नोट कर लीजिए अब। ठीक है, अब हेडिंग बनाओ,
यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो हेडिंग बनाओ, लिखो सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको स्लो लगे, अगर मेरी बोलने की स्पीड स्लो लगे, तो आप इसको 1.5x या 2x पर देख सकते हो, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके, ठीक है जी। तो चलिए जी लिखते हैं। सबसे पहले दिल्ली का एयरपोर्ट लिखो, दिल्ली एयरपोर्ट का क्या नाम है, सबको पता ही है, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हैदराबाद का, इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, सारे नहीं लिख लेंगे हम, इम्पोर्टेंट लिखेंगे। हैदराबाद का राजीव गांधी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। फिर नागपुर का, नागपुर का एयरपोर्ट कौन कौन सा है, बीआर अंबेडकर एयरपोर्ट, ये केवल एफसीआई के लिए नहीं काम आएगा, ठीक है। जो मैं अभी जीके पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पंजाब पंजाब के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर मतलब पीसीएस, यूपीपीएससी, पीसीएस वगैरह की तैयारी, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एफसीए के लिए है, सब के लिए है। अगर मैं यूपीएससी बोल रहा हूँ, तो आप देख लो इसका लेवल क्या है, ठीक है। जो आप तैयारी कर रहे हो इस टाइम मेरी वीडियो के साथ, जो आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका लेवल देखो मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेवल पहले अपना अप करोगे, तो नीचे वाला लेवल तो आपको बस चुटकियों की खेल लगेगी, ठीक है। बट हम करेंगे बहुत इजी वे में। अहमदाबाद का लिखो, अहमदाबाद सरदार पटेल एयरपोर्ट, सरदार पटेल एयरपोर्ट, ठीक है। तो वाराणसी का है, किधर चला गया ये रहा, वाराणसी का एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ठीक है। कोलकाता का देखो, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। पटना का है लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, लोकनायक, मुझे पता है कि ये काम बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट हमको यार कवर करना है, सिलेक्शन लेनी है, ठीक है मेरे बच्चों, सिलेक्शन लेनी है हम सभी ने। प्रकाश नारायण एयरपोर्ट, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इनको बोल देता हूँ, दिल्ली का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हैदराबाद का है राजीव गांधी एयरपोर्ट, नागपुर का बीआर अंबेडकर एयरपोर्ट, अहमदाबाद का है सरदार पटेल एयरपोर्ट, वाराणसी का है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, कोलकाता का है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, पटना का है लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे मुझे सच पॉलिटी के लिए मैसेज कर रहे थे, तो पॉलिटी के लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, आपसे रेगुलर आएंगी वीडियोस, जैसे जैसे मतलब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, और बीच बीच में देख लिया करेंगे कि हम उसकी सीरीज़ भी लेकर आएँ। पॉलिटी का बस थोड़े से टॉपिक रह गए थे, आर्टिकल हम पूरे कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, जो भी मैंने स्टार्ट किया है उसको लास्ट तक हम कंप्लीट करेंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने आपको बोल दिया वो हम करेंगे ही करेंगे। रायपुर, क्योंकि मुझे दिख रहा है पेपर का डेट जल्दी आने वाला मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केस आ रहे हैं, बट आपको तैयारी पूरी ऐसी रखनी है, ठीक है, आपको तैयारी ऐसी रखनी है कि अगली सवेर आपका एग्ज़ाम है। तो रायपुर का एयरपोर्ट है स्वामी, आज की वीडियो में मैं माफ़ी चाहूँगा कि बातें ज़्यादा हो रही हैं, बट आपको समझाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसे ही मतलब मटेरियल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बट स्टीक मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो आप देख रहे हो,
खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। रायपुर का है स्वामी विवेकानंद, विवेक का पाया ना, विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। गुवाहाटी का है, गुवाहाटी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बट स्पेलिंग पर मत जाना। गुवाहाटी का है गोपीनाथ, 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 बट मैं अपनी तरफ से स्पेलिंग पूरे सही, एक एक अक्षर पूरा सही डाल रहा हूँ। बी ओ आर बोडलोई एयरपोर्ट, ठीक है। चेन्नई का है अन्ना एयरपोर्ट, चेन्नई अन्ना एयरपोर्ट। अमृतसर का है, अमृतसर गुरु रामदास एयरपोर्ट, ठीक है, जहाँ इसको बोला जाता था राजा सनसी एयरपोर्ट। लिखो गुरु रामदास एयरपोर्ट, यहाँ इसको लिखा जाता था राजा सनसी, पुराना नाम था इसका राजा सनसी एयरपोर्ट, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे लिख लो राजा सनसी एयरपोर्ट, बस राजा सनसी एयरपोर्ट, ठीक है जी। बस एक रह गया, अब तो ले लिया काम हमने पूरा, बस एक रह गया। पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है वीर सवारकर एयरपोर्ट, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं लेक्स ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट लेक्स भी देखेंगे कि इंडिया में लेक्स कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चिल्का लेक देखेंगे, लोकताक लेक देखेंगे, ठीक है जी। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलूँ आगे। चलो जी अब लिखो, जल्दी जल्दी लिखो लेक्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी लिखो लेक्स ऑफ इंडिया। आप मटेरियल देखो, आपको पूरा रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसको सर्च करने के लिए, बस आपको सिंपली यार लिखना है और याद करना है, ठीक है। मेहनत आपके लिए मैं करूँगा, लिखना है और याद करने वाला काम प्लीज़ आप कर लेना, ठीक है। पेपर में मेरी बेइज्जती मत करवा देना यार, ठीक है। पेपर में आप पूरा ऐसे परफॉर्म करना, जो मैं पढ़ाऊँगा पूरा उसको याद कर लेना, ठीक है। साथ साथ जो एक्स्ट्रा भी आप मेहनत करते रहना, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो पर ना डिपेंड रहना, ये मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। अगर मेरे दिल में कोई वैसा खोट होता तो मैं ऐसे बोल देता कि यार मेरी वीडियो में से ही पेपर आएगा, बट नहीं, पेपर कहीं से भी आ सकता है, हमको केवल मेहनत करनी है और खुद पर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर भी विश्वास रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पर जाकर पूरी बाजी पलट जाती है, तो उस टाइम पर भगवान ही हमारी हेल्प करते हैं, आजमा कर देख लेना। तो लिखो जी पहले चिल्का लेक, चिल्का लेक कहाँ की है, ओडिशा की, ओडिशा। लोकताक लेक, लोकताक लेक ये है मणिपुर की, मणिपुर। लोनार लेक, लोनार लेक ये है महाराष्ट्र। और वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक ये है केरला की, केरला, ठीक है। आगे है एमराल्ड लेक, एमराल्ड लेक ये है तमिलनाडु की, तमिलनाडु। थौल लेक है गुजरात की, जिसको थौल कोई थौल बोलता है, कोई थौल बोलता है, थौल लेक है गुजरात की। आगे है सांभर लेक, सांभर लेक। और एक है पचपद्रा लेक, पचपद्रा लेक ये है राजस्थान की, ये दोनों राजस्थान, ठीक है। ये वाली लेक्स ना सबसे ज़्यादा नमकीन लेक हैं, मोस्ट साल्टी लेक्स में से ये दोनों लेक्स गिनी जाती है, सांभर लेक और पचपद्रा लेक, मोस्ट साल्टी लेक्स। अब देखो जी, कुछ बच्चों का सवाल आता है कि हम ये क्यों याद करें, हमको क्या ज़रूरत कि इसको याद करें,
क्या ये एग्ज़ाम में ऐसा पूछेगा कि ये लेख कहाँ की है? नहीं जी, देखो आजकल जो है ना करंट अफेयर में क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, तो मान लीजिए किसी लेख पर आपको कोई फेस्टिवल दे दिया, उन्होंने कोई फेस्टिवल दे दिया, जैसे कोई भी है, कोई भी मान लो, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया कि दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दिस लेक एंड दिस लेक इज़ एसोसिएटेड विद, मतलब विच सिटी, विच स्टेट। फिर आप सोचोगे कि यार काश उस दिन मैंने लेक से याद करी होती, तो आज का ये करंट का क्वेश्चन इतना सिंपल सा मैं ऐसे चुटकियों में ला देता, ठीक है। हर एक वीडियो के पीछे मेरा एक राज है, बस आप करते जाओ, मिल जाएगा आपको सभी, अगर विश्वास है तो करते जाओ, ठीक है। लिखते हैं, बस थोड़ी सी रह गई, अब ये भी लिख लो, जीप को दंदी में भरकर लिखते रहो, बस एक बार थोड़ा सा कोड़ा कुट भर के, पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ा कोड़ा कुट भर के लिखी जा, फल मालक आपे दोगा। चलो लिखो, मैन मैचो लेक, और एक इसके नाम भी थोड़े से ऐसे हैं, चोलामू। प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना यार, आप लिखने और टॉपिक पर ध्यान देना, ठीक है। ये है सिक्किम की, इम्पोर्टेंट है ये दोनों, मैन मैचो लेक एंड चोलामू। और अगली लिखो, हैजोंग लेक, ये है असम की, ठीक है जी। एक है डल वुलर लेक, इसका जिक्र काफ़ी बार करंट में मैंने खुद पढ़ा है, बहुत बार हुआ है वुलर लेक, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको बताऊंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेक है। अब मैं बात करता हूँ सिटी ऑफ लेक्स, ये है उदयपुर में, क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स का मतलब क्या है, मैं आपको अब सिटी लिखाऊंगा उदयपुर, ठीक है। उसकी लेक्स हैं चार, तो आपको चारों लेक्स का मतलब ऐसे करके मैं चार ही लेक्स लिखता, ठीक है, तो फिर उसका बताता, तो मैं एक जगह पर ही लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम है ना, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे करके उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सी है, उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है ना, उदयपुर में कौन कौन सी है, लेक पिचोला PICHOLA, ठीक है। फिर आती है फतेह सागर, फिर आती है स्वरूप सागर, फिर आती है उदय सागर, ठीक है जी। लेक पिचोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, ठीक है। बस एक और लिख लो, कलेरू लेक, बस लास्ट एक और लिख लो, बस पुलिकट लेक, तो ये कहाँ की है, ये है आंध्र प्रदेश। सच एक बात और बताऊँ, ठीक है, एक हम लिखते हैं AP और एक लिखते हैं हम A.P, तो हमको क्या पता कि आंध्र प्रदेश को क्या लिखते हैं और अरुणाचल प्रदेश को क्या लिखते हैं। मान लीजिए मैं कहीं किसी जगह ये वाला डाल दूँ, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये मैं अरुणाचल प्रदेश डाला या आंध्र प्रदेश डाला। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखूँ सिंपल AP विदाउट डॉट, इसका मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मैं लिखूं डॉट पाकर, तो इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। बस
यहाँ पर डॉट है, जिस पर डॉट है तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा, जिस पर डॉट नहीं है तो वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या अब अगर आप लिखने की क्षमता रखते हो, लिखने की अगर आपके पास कैपेसिटी है, तो क्या अब हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को भी देख लें? देखनी तो चाहिए यार, है ना? बस थोड़ी सी है, लिख लीजिए, बस थोड़ी सी है, हमको टॉपिक भी तो कवर करना है ना, तो काफ़ी है। ये बहुत वाइड, जीके का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वाइड है, तो बस ये भी लिख लो यार, काम नबेड़ो, बस आज लिख लो। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, स्पेस ज़्यादा ही दे दिया मैंने। चलो आप हेडिंग ऐसे करके बना लो, ऐसे करके अच्छे अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है? बादल सा बना लो ताकि अच्छा लगे। चलो जी लिखो, जल्दी जल्दी लिखने की ट्राई करना। अब ये है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, आपको मैं बाउंड्री का नाम लिखवाऊंगा सबसे पहले, और फिर मैं बताऊंगा कि ये किन दो देशों के बीच की बाउंड्री है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। लिखो जी, रेड क्लिफ, रेड क्लिफे या रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये कि इस बिटवीन, ये किन दो देशों के बिचकार की लाइन है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो इधर है हमारा पाकिस्तान, हमारा तो इंडिया है, इधर मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, उसका बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ शेयर होता है इधर, है ना? मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये वाली जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर जो बाउंड्री, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाली आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये वाली मान लीजिए पंजाब के अमृतसर में शायद ये बाउंड्री है, तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बाउंड्री का मतलब ये होता है, मान लीजिए दो देशों के बीचकार जो लाइन है, मान लीजिए इधर की लाइन में इंडिया है, उधर की लाइन में चाइना है, तो इन दो देशों की जो लाइन है तो उसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी थी हमने अभी अभी पढ़ी? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है? तो इधर वाली जो चाइना के साथ है, मान लीजिए इधर चाइना है और इधर इंडिया है ना, ये हमारा प्यारा भारत, तो इधर वाली जो लाइन है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? इस बाउंड्री को हम बोलेंगे एमसी मोहन, एमसी मोहन लाइन। ठीक है, लिखो जी, एक मिनट, हाँ लिखो, एमसी मोहन लाइन, एमसी मोहन लाइन किन दो देशों के बिचकार है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। ओके, अब बात करते हैं हिडनबर्ग, हिडनबर्ग, तो आगे लिख लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखो हिडन बर्ग, ये है जर्मनी एंड पोलैंड। ठीक है जी, अब बात करते हैं दुरंध, दुरंध लाइन, तो ये है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस अगर याद होती है तो कर लीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, बट कोशिश करो कि यार कुछ छूट ना जाए, पोस्ट बड़ी है हमारे लिए, ठीक है? 60,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिलने वाली है, और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा, गाड़ियाँ भी आपके पीछे आगे होंगी, तो यार कुछ छूट ना जाए, ठीक है? एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो जिनको ये सब बातें पहले ही पता होंगी, तो आपके कंपटीशन आप देखो ना कितना है उस पोस्ट के लिए, पोस्ट की वैल्यू देखो, इसमें तो यार वो भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कुछ बच्चे तो ऐसे ही, मतलब सोचो कुछ बच्चे के क्या करेंगे कि कुछ छोड़ देंगे कि यार नहीं यार नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तुक्के लगा देंगे, और कुछ बच्चे होंगे मेहनत करने वाले कि नहीं यार तुक्का नहीं, मुझे दुखेगा कि मैं तुक्का मार के आया हूँ, चाहे मेरा नंबर नहीं कटेगा मैं मुझे दुखेगा, तो इससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक है?
तो मेरे नंबर तो वहाँ पर एक नंबर, एक एक नंबर जब मेरा बढ़ेगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। मेरे साथ वाली या मतलब जो मेरे से कम मेहनत कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ। बट यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आप मेहनत पूरी अच्छी लगन से कीजिए। अगर आपका ये मन है कि तुक्का मार लेंगे, एक एक नंबर में से तो ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो क्या यार इतना क्यों याद करूँ, सोच की बात है बस, ठीक है। लिखो जी, मैगी नोट। आज का लेक्चर थोड़ा सा बातें वाला इसलिए हो गया कि एक तो ढूंढने में टाइम लगता है, जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस, मटेरियल मेरे पास बहुत ज़्यादा है लिखवाने को, आपको मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ, बट नहीं, आपको मैं वही वही लिखवाऊंगा जो पेपर में आने के चांस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिखवाता हूँ, जो जैसे आपने ये अर्थ जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो होते हैं ना ये वाले, तो यहाँ पर डिग्रीज होती हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, ऊपर 10 डिग्री हो गया, ऐसे करके ना लाइन नहीं होती है ना, 17 डिग्री हो गया, 24 डिग्री हो गया, ऐसे करके लाइंस होती हैं हमारी अर्थ में। तो मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, तो आप बस एक बार के लिए, अब के लिए रट्टा लगाने के लिए बस लिख लो 10 डिग्री पैरेलल, 10 डिग्री पैरेलल इज़ बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, सूडान एंड साउथ सूडान, ठीक है जी। 17 डिग्री पैरेलल, पैरेलल इज़ बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ठीक है। तो 24 डिग्री पैरेलल, 24 डिग्री पैरेलल इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बॉर्डर का ही है, ठीक है। अगर उसने मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा करके दे दिया, मतलब कितने डिग्री का पैरेलल इन दोनों के बीच से निकलता है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का है 24। अगर पूछ लिया कि बाउंड्री का नाम क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। ये रेड क्लिफ लाइन मैंने आपको समझा दिया था, इंडिया और ये रहा पाकिस्तान, ओके जी। तो अब लिखो बस, ये वाला तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 31 डिग्री पैरेलल किस किन दो देशों के बीचकार है, ईरान एंड इराक, ईरान एंड इराक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। बस दो रह गए, बस दो लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस थोड़ा सा और लिख लो यार, थोड़ा सा मिन्त वाली गल है आपके, ठीक मिन्ते ना निकलवाओ, बस मिन्ते वाली बात है, बस लिख लीजिए मेरे करके ना, से अपने करके लिख लिए, अपने माँ बाप करके लिख लीजिए, लिख लीजिए बस, आपके काम आएंगे नोट्स, अच्छे से बनाना। 38 डिग्री पैरेलल बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। 49 डिग्री पैरेलल, बस लास्ट है, 49 डिग्री पैरेलल कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। अब लिखो जी, हेडिंग बनाओ, बस थोड़ा सा है ये वाला, बस एक पेज है और, लिख लीजिए वोल्केनिक, ओहो क्या हो गया आज पेन को, वोल्केनिक साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें समझाने वाली तो यार कोई बात नहीं है, बस आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। सबसे पहला है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनिक साइट है, आप लिख लीजिए साइड में एक्टिव वोल्केनिक साइट, वोल्केनिक साइट,
एक्टिव का मतलब यहाँ पर मतलब बहुत बार वोल्केनो उठते रहते हैं, फूटते रहते हैं, तो ये एक्टिव साइट है, मतलब कभी भी यहाँ पर वोल्केनो का मतलब फूट सकता है। सेकंड है बारा टैंक आइलैंड, तीसरा है नारकेंडम आइलैंड, ठीक है। तो ये वाले तीनों कहाँ पर हैं? ये अंडेमान सी पर हैं, अंडेमान सी, ठीक है जी। वोल्केनिक साइट ऑफ वर्ल्ड, ये वाला वर्ल्ड का नहीं लिखवाऊंगा, बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मुझे पता है सभी मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि यार कितना लिखवा रहे हो, कितना लिखवा रहे हो, ये इतना कुछ याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत टफ है। नहीं बच्चों, ये टफ नहीं है। अगर जब आप इस वीडियो के बाद खुद ट्राई करोगे ना पढ़ने की, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो आप तो बोलोगे कि यार बस इतना सा, इतना सा, हम तो और लिखना चाहते थे। तो कोई ना, अगली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लिखवाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इश्यूज़, कवर करेंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और रिवर साइड सिटीज़ कवर करने वाले हैं। और भी हम रिवर साइड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड नहीं कवर करने वाले। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पार्ट वो देख लेंगे। एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर की जो लेयर्स होती हैं, कंपोजिशन देख लेंगे, लेयर्स देख लेंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एग्जोस्फियर, तो ये भी देख लेंगे। तो बस आपके लिए इतना सा काम है, बस थोड़ा सा काम लिखवाऊंगा इसमें से जियोग्राफी में। फिर हमारी जियोग्राफी ख़त्म, एंड उसके बाद हमारा जो मेन पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का, जिसमें हम इतना कुछ याद करने वाला होगा, इतना कुछ याद करने वाला होगा कि आपको बहुत इजीली याद भी होता रहेगा, कि हम बहुत बहुत मजाकिया तौर पर उन वीडियोस को आपको मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। हम आज का वीडियो भी एक बार देखें रिपीट करके, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में। तो देखते हैं, बस इतना सा हमने किया है। सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स करें, दिल्ली का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हैदराबाद का है राजीव गांधी एयरपोर्ट। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए कहाँ पर लिखी है आपने, ठीक है। दिल्ली का कौन सा है बोलो आप, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हैदराबाद का कौन सा है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। कौन सा है, राजीव गांधी एयरपोर्ट, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे नहीं बोल रहे वो मुर्गा बनो अभी, चाहे आप घर पे हो बट यार मतलब जिम्मेवारी समझो अपनी। नागपुर का कौन सा है बोलो पीछे, बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट, ठीक है जी। अहमदाबाद का कौन सा है बोलो, लिखा है आपके सामने सरदार पटेल एयरपोर्ट। वाराणसी का कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कोलकाता का कौन सा है बोलो, जी हाँ आप ही बोलो, आपको कह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कोलकाता का कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। वाराणसी का कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अहमदाबाद का सरदार पटेल। पटना का कौन सा है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। अब आप बोलिए पीछे पीछे बोलो, लोक नायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ, रायपुर का कौन सा है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। रायपुर का कौन सा है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। गुवाहाटी का कौन सा है, गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट, गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट। चेन्नई का कौन सा है, अन्ना एयरपोर्ट, अन्ना एयरपोर्ट, चेन्नई अन्ना, ठीक है। ये तो याद हो गया, अभी याद हो गया मुझे तो, सारे याद हो गए यार, एक मिनट में याद हो गए। अमृतसर का कौन सा है, गुरु रामदास एयरपोर्ट, जहाँ उसको कौन सा बोलते हैं, राजा सनसी एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर का कौन सा है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, ठीक है जी, समझ लगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हमने जो जो कवर किए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेक्स ऑफ इंडिया की, जो हमने पढ़ी थी। चिल्का लेक कहाँ की है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये चिल्का लेक, उड़ीसा की। कहाँ की है, उड़ीसा की। लोकताक लेक कहाँ की है, मणिपुर की। लोनार लेक कहाँ की है, महाराष्ट्र की। वेम्बानंद लेक कहाँ की है, केरला की।
एमराल्ड लेक कहाँ की है? तमिलनाडु की। ठोल लेक कहाँ की है? गुजरात की। सांबर लेक और पंचपद्रा लेक कहाँ की है? राजस्थान की। ये वाली लेक जो मोस्ट साल्टी लेक्स में आती हैं। ठीक है, अब आप बोलो चिल्का लेक कहाँ की है? जी हाँ, उड़ीसा की। लोकताक, ठीक है, मणिपुर। लोनार लेक, ठीक है, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वेम्बानंद लेक कहाँ की है? ठीक है, केरला की, बिल्कुल सही। एमराल्ड लेक, जी ठीक है, तमिलनाडु की। ठोल लेक, गुजरात की, बिल्कुल शाबाश। सांभर लेक और पंचपद्रा लेक, यह है राजस्थान की। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हो आप। मैनमैचो लेक और चोलामू लेक कहाँ की है? सिक्किम की, बिल्कुल सही। हैजोंग लेक कहाँ की है? असम की। डल वुलर लेक कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। ये सबसे बड़ी लेक है, डल वुलर लेक सबसे बड़ी लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, ठीक है, ये देखो, उदयपुर को ही सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इन जो ऑप्शन आपको गिवन बिलो, इन विच ऑफ द सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, ऐसे भी करके क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड करके पाया जा सकता है यार। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, तो वो उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान पर है। इसमें कौन कौन सी लेक है? लेक पिचोला है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है, उदय सागर है, है ना, बिल्कुल आसान। आप पीछे पीछे आप बोलो, मैनमैचो लेक कहाँ की है? कहाँ की है? जी हाँ, सिक्किम की। चोलामू लेक कहाँ की है? वो भी सिक्किम की। ठीक है, हैजोंग लेक कहाँ की है? वो कहाँ की है? बोलो, हाँ ठीक है, आसाम की, बिल्कुल सही। डल वुलर लेक कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। ये लार्जेस्ट लेक है, ठीक है जी। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है? उदयपुर को। इसमें कौन कौन सी लेक है? लेक पिचोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। क्लेरू लेक और पुलिकट लेक, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अगर मैं डालूँ ऐसे करके, मान लीजिए A.P और AP में डालूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर वाला अरुणाचल है या ऊपर वाला आंध्र है? ऊपर वाला होगा जी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, जिसमें डॉट नहीं है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, तो कई बुक्स में भी ऐसे करके यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट में डाल देते हैं, ये AP है ना। हाँ, फिर हमने बात करी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की, जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। MC मोहन लाइन किन दो देशों के बीचकार की लाइन है? तो वो है इंडिया और चाइना के बीच की। फिर हम बात करेंगे हिडनबर्ग की, तो जर्मनी एंड पोलैंड की। फिर दुरंद लाइन थी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर थी मैगिनोट, जर्मनी एंड फ्रांस। फिर हमने पैरेलल्स डिस्कशन किए, 10 डिग्री पैरेलल इज़ बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, 17 डिग्री पैरेलल इज़ बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। फिर हमने डिस्कशन किया 24 डिग्री पैरेलल इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की वो लाइन क्या थी? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है जी, 31 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीचकार है? ईरान एंड इराक के, ये वाले इम्पोर्टेंट था। तो फिर हमने बात किया 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच। फिर हमने बात करा 49 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीचकार थी? कनाडा एंड USA में। एक आपको बात बताता हूँ, साउथ कोरिया की ही दो कंपनी है हमारी मशहूर, LG हो या फिर सैमसंग हो, सैमसंग, ये दो ऐसी कंपनी है जो साउथ कोरिया की है। ठीक है जी, तो LG ने एक TV बनाया था, फोल्डेबल TV, शायद मैं TV का नाम भूल गया, बट 40 लाख रुपए का फर्स्ट TV इन्होंने बनाया था, जो मतलब पता नहीं फोल्ड हो जाता था कि क्या हो जाता था, बट बनाया था LG ने, बहुत इंपॉर्टेंट TV एक बनाया था। थोड़ा सा रिसेंट की न्यूज़ है, करंट की न्यूज़ है ये। ठीक है जी, साउथ कोरिया की है ये दोनों कंपनी। तो 49 डिग्री पैरेलल कनाडा एंड USA के बीच की टापता है, ठीक है, उसके बीच से गुजरता है। फिर हमने डिस्कशन किया वोल्केनिक साइट ऑफ इंडिया की, तो उसमें से हमने डिस्कस किया बैरन आइलैंड में क्या है? एक्टिव वोल्केनिक साइट है। तो फिर मैंने डिस्कस किया
बाराटांग आइलैंड, और फिर हमने नारकैंडम आइलैंड देखा। जो ये तीनों आइलैंड थे ये अंडेमान सी पर थे। तो फिर हमने बस फिर हमने इतना ही देखा, फिर द एंड हो गया आज की इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझको तो सच में बताऊँ बहुत मज़ा आया आपको ये सब बातें बताकर। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर नीचे कमेंट में, ठीक है जी। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, तो फिर वो भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए जी, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लिए मेहनत करना मुझको बहुत अच्छा लगता है, आपकी मोटिवेशन अगर मिलती है तो, ठीक है। मुझको मेहनत करना तब अच्छा नहीं लगता जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा दो, वीडियो को शेयर करो, इसको लाइक्स दो, कैसा लगा सुझाव दो, ठीक है जी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।